मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मम्मी की कला में आज मैं आपको चैन स्टिच व सिंगल क्रोशिया फर्स्ट एंड सेकंड दिखाऊंगी। और हाँ, प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक व शेयर का बटन क्लिक करें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए देखते हैं चैन स्टिच। चैन स्टिच के लिए हम इसको थ्रेड को ऐसे फिंगर में लपेट लेंगे। इन दोनों से हम इसको बीच में पकड़ लेंगे। इस क्रोशे से, ये 3.5 mm का क्रोशा ले रही हूं मैं इसके साथ, इस क्रोशे से हम इसको अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद इसमें हुक में इसको ऊन को ले लेंगे, ऊन के थ्रेड को, और इसको यूं क्रोशे को घुमाकर, ये देखिए, इसको क्रोशे को यूं घुमाकर, ये हमने थ्रेड यहां से पकड़ा हुआ है, इसको घुमाएंगे, फिर हम क्रोशे को अंदर लेंगे और इसको थ्रेड को ले लेंगे हुक में, और इस जो सर्कल हमने बनाया इसके अंदर से इसको हम उनको बाहर निकाल देंगे, और फिर यहां से हम इसको यूं करके टाइट कर देंगे। मतलब ये हमारा हो गया लॉक, खुलेगा नहीं, लॉक हो गया। अब हम नेक्स्ट भी हम ऐसे ही करेंगे, अंदर से जाएंगे, यूं क्रोशे को लेंगे और इस हुक में इस ऊन को फंसाकर इसके अंदर से इस चेन के अंदर से इसको निकालेंगे। निकालने के बाद इसको थोड़ा सा आगे खींचेंगे, ना ये टाइट रहना चाहिए ना लूज रहना चाहिए, ये देखना चाहिए कि जो हम थ्रेड ला रहे हैं वो इसके साथ इसमें से निकल चुके हैं। अब हमने फिर से इसको अंदर से यूं करके आए, इसको हुक में लिया ऊन को, और फिर इस चेन में से इसको अंदर से निकाल लेंगे। ऐसे निकालते चले आना, यूं लेना है, यूं करके इस चेन के अंदर से निकाल लेना है, इसको यूं अंदर से यहां से लेना है, इसके यहां से ऊपर की तरफ जाना है, हुक में फंसाना है और इस चेन के अंदर से इसको बाहर निकाल देना है। यहां से जाएंगे अंदर की तरफ से, बाहर आएंगे, हुक में डालेंगे, इसके अंदर से इसको निकाल लेंगे। इस तरह से आपको यूं करके हुक में फंसाना है और इसको अंदर से निकालना है, इसको अंदर से बाहर लाना है, हुक में लेना है, अंदर से यूं करना है। तो ये हमारी बन रही है चेन स्टिच। ये चेन बनती जाएगी हमारी, चेन अंदर जाएंगे, बाहर से हुक में डालेंगे और इसके अंदर से निकालेंगे, अंदर जाएंगे, बाहर से हुक में लेंगे, इसके अंदर से निकालेंगे, अंदर जाएंगे, बाहर लेंगे, बाहर से हुक में लेंगे और इसके अंदर से निकालेंगे। तो ऐसे करके हमारी ये चेन बन गई, और देखिए ये हमारी चेन बनती जा रही है ना, देख रहे हैं, ये चेन है, ये चेन बन गई हमारी चेन स्टिच। अब हमको क्या करना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो जब भी हम, ये फर्स्ट लाइन हो गई, सेकंड लाइन, जब भी हम कोई भी लाइन शुरू करेंगे उससे पहले हम क्या करना है, हमको एक चेन स्टिच बनानी है, एक चेन बनानी है हमको। चेन बनाने के बाद जब हमको स्टार्ट करना है सेकंड लाइन, तो इस चेन को हमको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद हमको इसके अंदर जाना है, इसके अंदर हम जाएंगे और ये देखिए, ये हमने ये चेन तो छोड़ दी, अब हम इसके अंदर जा रहे हैं और वापस से फिर से अंदर से बाहर जाके हुक में ये चेन लिया, इसके अंदर से निकाला, हमारे पास दो घर बन गए। दो घर में से फिर से हम इसके अंदर से यूं हुक में ये ऊन लेंगे और दो का एक कर देंगे, इन दोनों के अंदर से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। हम फिर इस चेन में जाएंगे, चेन के यहां से हम अंदर घुसेंगे इसके, और फिर यहां से इसमें हुक में ये थ्रेड लेंगे ऊन का, और फिर इसमें से निकालेंगे। पहले हमको क्या करना है, इसमें से निकालना है। जब ये हमारा निकल गया तो हमारे पास क्या हो गया, दो हो गए, दो का एक कर देंगे। ये हमारा बन रहा है सिंगल क्रोशिया। इसके अंदर हम गए,
इसके अंदर से हमने हुक में से ये लिया थ्रेड, दो का एक कर दिया, ये चेन में गए या अंदर हुक डाला, फिर हम इधर अंदर से बाहर गए, इसमें हमने लिया हुक में ऊन को, इस चेन से इसको निकाला, एक घर बन गया, इस दो का एक कर देंगे। ये चेन है, चेन के अंदर गए, इसमें से फिर हम अंदर से बाहर जाके हुक में लेंगे, इसको बाहर निकालेंगे और फिर दो का एक कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया बनता चला जा रहा है। अब हमको ये पूरी लाइन में सिंगल क्रोशिया बना देना है, अंदर जाना है हुक में हमको घर में, घर से हमको हुक में लेना है ऊन और दो का एक कर देना है। चेन के अंदर हमने डाला इसको क्रोशे का, यहाँ से लेके आए ऊन यहाँ से इस घर से बाहर निकाली और हमारे दो घर बन गए और ये दो का एक। चेन से निकाला हमने क्रोशिया, इसमें से लाए ऊन, ये दो का एक। तो ऐसे करके हमको ये दो का एक बनाना है। ये चेन में से गए, अब हमको तीसरी लाइन शुरू करनी है। तो तीसरी लाइन शुरू करने के लिए फिर से हमको ये चेन बनानी पड़ेगी। और हाँ, आप जो है बेल का बटन भी जरूर क्लिक करिए, मेरे जो भी न्यू वीडियो आएंगे उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो ये थर्ड लाइन शुरू करने जा रहे हैं हम। इसमें क्या करना है हमको, ये जो चेन दिख रही है हमको, इसके पीछे वाले को थ्रेड को लेना है। ये देखिए, ये पीछे वाले थ्रेड को ऐसे करके, ये पीछे वाले थ्रेड, तो इसमें हम यहाँ जाएंगे, पीछे वाले थ्रेड को लिया और दो का एक कर दिया। ये चेन है, पीछे वाले थ्रेड से गए, हुक में दूसरा लिया ऊन, इसमें से निकाला, दो का एक कर दिया। ये भी सिंगल क्रोशिया ही है, ये पीछे चेन से गए, यहाँ से ये लिया और ये दो का एक कर दिया, पीछे चेन से गए, हुक में लिया, दो का एक, ये भी सिंगल क्रोशिया। हम ऐसे इसको बनाते हुए चले जाएंगे और जितना बड़ा चाहिए आपको उतना आप बड़ा बनाते जाइए। तो ये देखिए इस तरह से लुक आएगा। ये देखिए ऐसा बनता चला जाएगा। तो जितना आपको बड़ा बनाना है बनाते चलिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं।